আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। नमस्कार, सलाम वालेकुम, मैं हूँ रानी तलाब, सबका स्वागत है मेरे चैनल द बॉन्ग कनेक्शन पर। पहली बात तो आप लोगों ने देखा ही होगा चैनल मतलब रिएक्शन शुरू होने से पहले कि मैंने एक नया इंट्रो डाला है, बहुत सोच समझ के मैंने किया, क्योंकि यू नो यूजुअली जो पिछला वाला इंट्रो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, हर कोई आता था मेरे चैनल पर, यही पूछता था कि यू नो ये गाना कौन सा है जो शुरुआत में आप लगाते हो। वो एक्चुअली रविंद्र संगीत है, मैं बंगाली हूँ, और अगर आप लोगों को पता होगा कि बंगाली लोगों का बहुत ही एक फेमस फोक गाना होता है जिसको कहते हैं रविंद्र संगीत, बाय आर फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर, और उसी क्योंकि उनके गाने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुरीले होते हैं, मैंने इसलिए उन गाने को अपने इंट्रो सॉन्ग्स में डाला था। ये सेकंड गाना है जो कि रविंद्र संगीत है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर का ही गाया हुआ गाना है, और आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा नया इंट्रो पसंद आया हो। बहुत हो गया इंट्रो के बारे में, आज मैं नया एक कोक स्टूडियो के गाने पर रिएक्ट करने वाला हूँ। ये है शिकवा और जवाब-ए-शिकवा, कोक स्टूडियो सीजन 11 एपिसोड 1, और आई कैन नॉट वेट टू वॉच दिस, आई कैन नॉट वेट टू लिसन टू दिस। बहुत दिन पहले से ही, ये एक हफ्ते पहले निकल चुका है लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं है। इसे गाया है फरीद अयाज, अबू मोहम्मद कवाल एंड ब्रदर्स, और उनको ज्वाइन किया है नताशा बेग ने। सो देखते हैं ये इंटेंस मेलोडी किस बारे में है। 3, 2, 1 एंड गो। Beautiful lyrics, beautiful. चुराता मोज मेरी ताब सुखन है मुझको, शिवा अल्लाह से खातम बदहन 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 है मुझको। हारमोनियम का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार में। लिरिक्स नीचे है तो मुझे पता है एक्चुअली और क्या गा रहे हैं। Wow, it changed the pitch. Wow.
बहुत ही इंटेंस पावरफुल गाना है और इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होता है, यू नो, सबसे अच्छी बात है। पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं बस जूद के पत्थर, कहीं ना हो शजर, माय गॉड, आई एम गेटिंग गूज बम्स। क्या आवाज है, क्या पावर है। मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुवते बाजू में 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 Beautiful. काबे मतलब दिमाग, मस्तिष्क, आई थिंक सो। बहुत ही अलग तरीका का गाना है ये। तरीके से एक दूसरे से वो वार्तालाप कर रहे, यू नो,
वो बहुत ही खूबसूरत है। इतना डीप है ये गाना ना। वाह क्या बात है। लाजवाब, खूबसूरत, परफेक्ट, मेसमराइजिंग। और कुछ नहीं मेरे पास शब्द बोलने के लिए इस गाने के बारे में, क्योंकि
इतना खूबसूरत रेंडिशन था और पहला गाना है कोक स्टूडियो का और इतना पावरफुल, इतना इंटेंस था। आप सोच सकते हैं कि बाकी के जितने गाने आने वाले हैं कोक स्टूडियो के सीज़न 11 पे, वो कितने और भी अमेजिंग होने वाले हैं। मुझे पता है कि कोक स्टूडियो सीज़न 11 के एपिसोड 1 में एक नहीं दो दो गाने शायद मैंने देखा था लिखना है और मैं उस गाने पर भी रिएक्ट करूँगा। मुझे मौका नहीं मिल पा रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये गाने के बारे में मैं क्या कहूँ, ये कव्वाली और रॉक म्यूज़िक का फ्यूजन था जो कि इतना खूबसूरती से दिखाया गया, क्योंकि कोक स्टूडियो है ही इस बारे में, यू नो, डिफरेंट टाइप के गाने, डिफरेंट टाइप के कंपोजिशंस, डिफरेंट टाइप के म्यूज़िक को एक साथ लाकर उसको इस तरीके से ब्लेंड करते हैं कि आपको कभी लगता है कि नहीं वो एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप के गाने हैं, दो डिफरेंट जॉनरा के गाने हैं। आपको लगेगा कि एक्चुअली यू आर लिसनिंग टू समथिंग विच इज़ लाइक मेड इन हेवन और आपके कानों पर इतना सूदिंग लगता है इसको सुनने के बाद। सभी के वॉइस बहुत ही अमेजिंग थे, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यू नो स्पेशली अबू मोहम्मद कव्वाल एंड ब्रदर्स, राइट, इन दोनों की दो भाई जो थे वो जो गा रहे थे, इतनी खूबसूरती से वो एक दूसरे से बात कर रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली दे आर हैविंग कन्वर्सेशन विद देमसेल्व्स और उसी कन्वर्सेशन के द्वारा उन लोगों ने अपने इमोशंस, अपने सारे फीलिंग्स को बयां किया। और डेफिनेटली नताशा बैग जो थे, आई थिंक नताशा बैग उनका नाम, जो गा रही थी शुरुआत में, उनकी वॉइस में इतना पावर था, इतना डिफरेंट उनका, इतनी यूनिक उनकी आवाज़ है, वो दिल को जाकर छू लेती है, आपको दिल को जाकर टच करती है। एंड डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन। अगर आप लोगों को मेरा रिएक्शन और थॉट्स इस गाने के बारे में पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, नीचे पे कमेंट्स डालना मत भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हेल्प कीजिए मुझे 10,000 सब्सक्राइबर मार्क पहुँचने के लिए। मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए चाहूँ।